हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे गाइस एक वीडियो आपके पास ऑलरेडी केस बेस्ड क्वेश्चन का आ चुका है मैंने कहा सब करवा चुका हूँ इस चैनल पे आपके वन शॉट्स, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स सैम्पल आप एक बार जाके बस चेक कर लो आपके पेपर के लिए पूरा कंटेंट यहाँ पर डला हुआ है और आपको क्या चाहिए चलिए यार ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते माय नेम इज विनोद कुमार बेल आई एम फिजिक्स एजुकेटर सीईओ एट एवी जे एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल इन यस बस पाड़ी को डायरेक्टर एट आलर रोहतक क्रीडेंशियल बताने जरूरी होते हैं कि आप सोचे कि यार बड़ी छोटी एज में बड़े बड़े सपने रखने हैं और उनको और गाइस अब आप देख सकते हैं आज आप लोग का आखिरी इमर्ज है बच्चा पार्टी साड़, पांच से साढ़े छह बजे तक ये आखिरी मॉक टेस्ट है आप पचास लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं अगर इलेवेंथ क्लास का कोई बालक देख रहा है इस वीडियो को तो कल से हमारा टर्म टू स्टार्ट हो रहा है गाई डोंट मिस इट अब आप रेस हैंड फीचर को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप अनलिमिटेड डाउट्स कभी भी किसी भी समय पर अन पर पूछ सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते नाउ यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम रेगुलर डाउट डाउटिंग सेशन लाइव टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट स्टडी मटेरियल एंड एंड मेंटोरशिप गाइडेंस बच्चा पार्टी आपको सिर्फ और सिर्फ और आर्मी कोड यूज करना है ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे रहा होगा एंड देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां पर भी आप लोग कोड वीके आर्मी के प्रयोग से बहुत आपको मदद मिल रही होगी आपको पॉसिबल डिस्काउंट मिल रहा होगा राइट बच्चा पार्टी आई होप दिस क्लियर टू यू ऑल ओके सो गाइस सो गाइस सो गाइस अब जरा चलते हैं अब हमें देखिए इससे पिछले वाली वीडियो में मैं छह केस बेस्ड क्वेश्चंस करवा चुका तो था आप लोगों को अब इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को देखते हैं कोशिश पूरी है कि दस बारह केस स्टडीज करवा दी जाए या आठ नौ केस स्टडीज करवा दी जाए डिपेंडिंग अपॉन दैट देखते हैं हम कितने केस बेस्ड आपको करवा पाएंगे राइट बच्चा पार्टी सबसे पहले पहले यार ये देखो कि के पहले केस बेस्ड हमारा पोटेंशियोमीटर पर भी आया ट्रांसफॉर्मर अलग 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 कॉन्सेप्ट केस बेस्ड आ रहे थे अब ये वाला जो केस बेस्ड है आपका दिस इज ऑन गैलवानोमीटर बच्चे ठीक है ना पहले तो आप लोगों को केस बेस्ड जब भी आए तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए देखिए केस बेस्ड में जब यहाँ पर क्वेश्चन है तो ये क्या बोलता है कि सर गैलवानोमीटर कैन सेंस और मेजर करेंट ठीक है ना गैलोनोमीटर मेजर कर सकता है करंट को इम्प्रूव मिरर गैलोनोमीटर वॉज डेवलप्ड बाय विलियम थॉमसन लेटर टू बिकम लॉर्ड इंटेंडेड द इंस्ट्रूमेंट टू रीड वर्कर मतलब ये पूरा आप पढ़ लेना राइट right? गैलवानोमीटर की पूरी कहानी इन्होंने हमें यहाँ पर दे दी सबसे तो पहले पहले जो इन्होंने एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जिसका क्वेश्चन पहले ही लाइन में मैं पढ़ चुका था सर इम्प्रूव मिररर गैलवानोमीटर किसने डेवलप किया था इम्प्रूव मिल गवर्नमेंट वॉज डेवलप्ड बाई विलियम थॉमसन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब जैसे वो अनसीन पैसेज वाली कहानी नहीं होती थी क्वेश्चन दिया पैसेज में से ढूंढो मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है कभी कभार तो ये खैर लॉर्ड कैलविन ने इम्प्रूवड मिलर इम्प्रूवड मिरर गैलवेनोमीटर को डेवलप किया था एंड हेयर इट इज ये आपके सामने है उसके बाद मिरर गैल्वेनोमीटर वाज प्राइमरली यूज्ड टू मिरर गैल्वेनोमीटर प्राइमरली यूज्ड टू टू भाई किसके लिए यूज होता था बड़ी सिंपल सी बात है यार टू मेजर द वीक करंट रिसीव्ड थ्रू लेंथी सबमरीन केबल लेंथी सबमरीन केबल तो यस गाइस हम देखा कि भाई मिरर गैल्वेनोमीटर वाज प्राइमली यूज टू मेजर द वीक करंट वीक करंट रिसीव्ड थ्रू लेंथी सबमरीन केबल कैसे पता चलेगा यहां पर लिखा हुआ है बेटा ये रहा hmm.

यस yes. तो so, अभी आप देखो दो सवाल हमने कर लिए तीसरे मैं कहता है कि सर बेसिक प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर देखिए गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा बड़ी सिंपल सी बात है यार गैल्वेनोमीटर वॉज लाइक like, आप एक बात बताओ कि अगर आ, कोई भी मतलब एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट कर रहा है तो उसके पास एक नीडल था जो डिफ्लेक्ट होता है है ना जब वहां पर करंट का इफेक्ट आता है अब इस चीज को ढूंढने के लिए आप ऊपर जाओगे पहले वैसे तो आपको पता है ठीक है ना लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि सर आपका करंट द लॉन्ग वायर ऑफ द कॉइल द सस्पेंडेड मैग्नेट ट्विस्ट सेटली आउट ऑफ दमर पोजिशन द मेर इज विद विदेड एंड द बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड द स्क्रीन ऑन टू वन साइड और अदर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द करंट If positive electric current gives a deflection to the right of zero, negative current will give a deflection to the left of the zero and vice versa. ठीक है ना? अब तो यहाँ पर दो चीजें हैं। कह रहा है सर heating effect of electric current, torque developed by the electric current passing through a coil, uh, magnetic effect of current, none of the above. अगर आप ध्यान से देखोगे तो generally आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि galvanometer मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक current carrying coil होती है जो घूमती है तो उसके बाद torque generate होता है और उसके बाद restoring torque generate होता है। ना? तो यहाँ है, है ना तो पर एक हिसाब से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है तो आप ऊपर जाएंगे आपको दिख जाएगा मिरर गैलवनोमीटर के अंदर एक लॉन्ग फाइन कॉइल ऑफ सिल्क कवर्ड कॉपर वायर स्मॉल राउंड मिरर हंग बाय सिंगल फाइबर ऑफ फ्लॉस सिल्क विद फोर टाइनी मैग्नेट्स सीमेंटेड टू इट्स बैक ये आपका बेसिकली मिरर गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट करता है मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो यार ये मतलब आपसे इस बार ही नहीं पूछेगा सिलेबस में क्योंकि मिरर गैल्वेनोमीटर हम नहीं पढ़ाते हम सिर्फ आपका वही मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे हैं ठीक है ना तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने ले वाली बात नहीं है सर पता नहीं क्या होगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है नॉल एनऑल करके ऐसा करके राइट right, बचा पार्टी आई होप सो मैं आप लोगों को एक मिनट का समय दूंगा आप लोग एक काम करिए ये केस स्टडी जो है ना आप ये थोड़ा सा रीड करिए ये वाला केस स्टडी थोड़ा सा आप पढ़िए राइट बच्चा पाड़ी तब तक मुझे एक क्लास शेयर करना है मैं वो क्लास शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स में जस्ट वेट फॉर अ वाइल चले सो गाइज इफ यू आपका ये ये है है, 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 भी आप पे की है, 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 कुछ कुछ तो लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर ही है ये।, ये पहला सवाल पूछता है वो हमसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर ग्रेटर असल में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरली बेटा इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्मॉलर देन होता है ये आपको ऊपर जो केस स्टडी आप पढ़ रहे हैं ना ये आपको उसमें दिख भी जाएगा आगे कहता है कि सर 10 की पावर माइनस -3 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू वाट ध्यान से देखिएगा बच्चे mg जी जी और mg कैसे करोगे भैया 10 की पावर माइनस -3 न्यूटन यानी फोर्स है फोर्स तो बराबर क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन भैया मास क्या होगा केजी में और एक्सेलरेशन क्या होएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये कह सकते हो 10 की पावर -3 बराबर मास इंटू जी क्या होगा टेन होगा तो यू कैन से दैट मास बराबर टेन की पावर माइनस नीचे जाएगा तो 10 की फोर के जी हो जाएगा पावर माइनस फोर इंटू टेन की पावर थ्री ग्राम हो जाएगा और यू कैन से टेन की पावर माइनस वन ग्राम हो जाएगा आए ना या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो हंड्रेड मिलीग्राम हो जाएगा क्योंकि हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगा ये बढ़ाएंगे तो दिस इज द आंसर कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभार ये बहुत क्वेश्चन होता है समझ में नहीं आ रहा होता है वो रॉजेट्स स्पाइरल क्यों होता है इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है बेटा क्योंकि जब दो करंट कैरिंग वायरस के बीच में फोर्स लगता है तो स्प्रिंग श्रिंक होता है स्प्रिंग जो है वो आपका श्रिंक हो जाता है बिकॉज द ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट पार्टी एंड इस वाले के स्टडी का लास्ट क्वेश्चन वट आर द मेन थ्री कॉम्पोनेट्स इन रॉजेट्स स्पाइरल रॉजेट्स स्पाइरल में मेन थ्री कंपोनेंट्स क्या है तो आपको बता दूं बच्चे यहां पर मरकरी होता है डीसी वोल्टेज सोर्स होता है और की होता है ऊपर आपको ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गोरेट गाइस तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसके जो ऊपर केस स्टडी है उसको पढ़ना है बहुत अच्छे से और फिर उसके बाद उसको करना है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग अभी केस स्टडी ढूंढोगे अलग अलग किताबों से लेके आओगे मैं आपके लिए केस स्टडी और उसके ऊपर चार क्वेश्चन हर एक जगह से लेके आया हूं यह नाइन्थ का मतलब ये है कि दो केस स्टडी अब तक इस वीडियो में हो चुके हैं पिछली वीडियो में छह केस स्टडी हो चुके आप वो भी जरूर देखिएगा और यह आपका केस स्टडी नाइन हो गया गोरेड गाइस क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को राइट बहुत बढ़िया बॉटल देख रहे हो बढ़िया ना इनविजिबल बॉटल है ना पानी नहीं दिख रहा होगा तुम्हें तो इसमें चलिए अब ये जो है ना ये कहीं ना कहीं ट्यूनिंग रेडियो सेट में मतलब एलसीआर सर्किट के बिहाब में मुझे दिखाई दे रहा है तो चलिए उसी के बिहाब पे देखते हैं जरा इसको पहला कहता है कि सर ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन मेरे को क्या करना ऊपर पढ़ के भाई देखो अपने को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अगर मैंने एलसीआर पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन भी पढ़ा होगा तो अगर उसका एप्लीकेशन पढ़ा है तो एक बार खुद से देख लेता क्या पता अपने को समझ में भी आ जाए इसका आंसर क्या होगा सो so, सर वो फिनोमिना बताइए जो रेडियो स्टेशन के ट्यूनिंग में यूज होता है आपको दिमाग में आ जाएगा अरे सर ने तो बताया था वो क्वालिटी फैक्टर वाला कि क्वालिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उसके बटन को बता उसके नॉब को हम राइट साइड लेफ्ट साइड घुमाते थे तो उसके बिहाफ पे फिर वो सिग्नल कैप्चर करता था तो सर रेजोनेंस फिन एल में रेजोनेंस फिनोमिना ट्यूनिंग सेट वाले को मतलब रेडियो स्टेशन के लिए जो अगर मुझे रेडियो को ट्यून करना है रेडियो के सेट को ट्यून करना है तो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन जैसे होता नहीं है

मैं फ्रेंकली बोलू ना बेटा आपको तो तो सिर्फ सिर्फ में में होता है है पर इसने पूछा है, आप किताब के तो मैं आपको के, कुछ भी कह भैया कर दो, भी कर दो बट आपको तो, तो जिसमें एलसी और आर तीनों होंगे जहां पर आपका एक्सएल एक्सी के बराबर या वी एल वीसी के बराबर होगा वहां रेजोनेंस अचीव हो रहा होगा गलत है एल सी आर होना चाहिए भाई

रेजोनेंस बराबर आर, XL बराबर, आर, XL बराबर XC, XC क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को जब भी एक्सएल एक्ससी के बराबर हो रेजोनेंस तभी हो सकता है एन आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चे चले आगे नाउ नेक्स्ट केस स्टडी आपके सामने ये रहा अगले केस स्टडी की तरफ चल रहा हूँ तो आपको आप इसको भी पढ़िएगा अच्छा, आप पूरा वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो ठीक है ना ताकि आप लोग एटलीस्ट पढ़ लो थोड़ा सा यही से कुछ केस स्टडी से एक और हेल्प मिलती है मान लो हमने कुछ चीज पढ़ ली ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया लेकिन उसके रिलेटेड में हमने एक दो लाइंस मिस कर दी तो केस स्टडी पूरा आ गया आपके पास एक पैराग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है आपको यहाँ से आपको यहाँ से कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है बेटा आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को ले है बच्चा ले रहे चलो बहुत बढ़िया तो अब देखिए सबसे पहले पहले क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, और current loss के बराबर क्या है भैया जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना उस केस में कोर लॉस भी होता है और एडी करेंट लॉस भी होता है तो so, यस yes, है ना ओ, तो कोर के अंदर जो लॉस हो रहा है वो आपका मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी हो रहा है de -magnetization, de -magnetization की वजह से और एडी एडीकरेंट की वजह से भी हो रहा है तो सर तो सर कोर लॉस बराबर लॉस प्लस एडी बात समझ में आ गई क्लियर है अगले जब, अगले सवाल पे चलो दॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो नोन एज नो लोड लॉस कौन सा है जो लोड के अक्रॉस लॉस नहीं हो रहा है इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे जब अगर लोड कनेक्ट ना हो तब भी लॉस हो जाए उसको नो लोड लॉस बोलेंगे बेटा नो लोड लॉस का मतलब क्या है इवन इफ लोड इज एबसेंट देन ऑल्सो लॉस इज प्रेजेंट उनको नो लोड लॉस कहते हैं और ये लॉस कॉपर लॉस अगर लोड कनेक्ट नहीं भी है ना अगर लोड कनेक्ट सॉरी मैंने कॉपर लॉस बोला अगर लोड कनेक्ट नहीं भी है ना तब भी कोर लॉस होगा विच इज और एडी लोड इस्ट चाहे नहीं कनेक्ट है कोर लॉस तो होगा ही हो क्लियर है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लॉस ट्रांसफॉर्मर में इनमें से कौन सा लॉस को आप वेरिएबल लॉस कह सकते हैं इनमें से कौन से लॉस को आप वेरिएबल लॉस कह सकते हैं बेटा इनमें से कौन से लॉस को आप वेरिएबल लॉस कह सकते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चे तो वेरिएबल लॉस एक कॉपर लॉस है एक स्ट्रे लॉस है एक डाई इलेक्ट्रिक लॉस है एक कॉपर लॉस एक कोर लॉस है ठीक है तो बड़ी सिंपल सी बात है करंट के चेंज होने की वजह से जो लॉस हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि डिपेंड कर रहा है लोड के ऊपर ये तो लोड नहीं भी है होगा सो यू कैन कॉपर लॉस इज लॉस यहां से आपको कुछ कुछ शब्द पता चल रहे हैं जो आपको पहले नहीं पता आप को कैसे रिड्यूस कर सकते हो कोई बात नहीं। आप ना सिलेकन स्टील का कोर लगा दो hysteresis loss आप रिड्यूस कर पाओगे अगर आप कोर ऑफ सिलेकन लॉस यूज करोगे तो आप हिस्टेरिस इज वेरी क्लियर टू ऑल क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है चलिए आगे चलते हैं भैया है, केस स्टडी इलेवन की तरफ केस स्टडी इलेवन की तरफ सवाल नंबर पहला कार्बन कम्पोजिशन रजिस्टर्स वॉर्ड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वॉर्ड फाइनली ग्राउंड मेटल डस्ट एंड सिरामिक पाउडर फाइनली ग्राउंड कार्बन डस्ट और ग्रेफाइट एंड पाउडर फाइनली ग्राउंड कार्बन डस्ट और ग्राफाइट एंड कॉपर पाउडर फाइनली ग्राउंड कार्बन डस्ट और ग्रेफाइट बताइए बच्चों ये देख लीजिए पहले आप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर वैसे कार्बन रजिस्टर में तो है नहीं इसको हम स्किप कर सकते वी विल मूव टू द नेक्स्ट ने स्टडी ठीक है ना अर्थ मैग्नेटिज्म वाला इज अ गुड वन दिस अ गुड ऑप्शन तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म वाले की तरफ चलते हैं बारहवा केस स्टडी ठीक है ना अर्थ मैग्नेटिज्म वाले की तरफ चलते हैं बेटा तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले पहले सवाल क्या पूछ रहा है ये हमसे सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रोटेशन ऑफ अर्थ अट्रैक्शन ड्यू टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज सोलर फ्लेयर्स ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट रोटेशन ऑफ अर्थ अट्रैक्शन ड्यू टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज सोलर फ्लेयर्स असल में रोटेशन ऑफ करंट बेटा रीजन क्या है अर्थ के आउटर कोर पर जो लिक्विड मेटल फ्लो करता है उसकी वजह से करंट का जनरेशन होता है अर्थ के के across, अपने के अक्रॉस अक्रॉस अपने रोटेशन की वजह से वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है तो रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बात समझ में आ रही बच्चे इलेक्ट्रिक इन द अर्थ बॉडी जनरेटेड ड्यू टू अभी बताया मैंने आपको ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ लिक्विड मेटल इन द आउटर कोर जो बताया वो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया उसने बात समझ में आ रही है विच प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लैनेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं बच्चे कौन सा ऐसा प्लान जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो यार नई बात बता रहा हूं आपको मार्स एक ऐसा प्लैनेट है बेटा विच डज नॉट हैव फ्लोइंग लिक्विड मेटल इन द कोर विच डज नॉट मेटल इन अ कोर ये डायनेमो इफेक्ट तक नहीं बना पाता है ना यहां इफेक्ट भी नहीं होते तो इसके पास बहुत ज्यादा वीक इवन आप कह सकते हो इवन आप कह सकते हो कि इसके पास ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं इवन आप कह सकते हो इसके पास ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल आइए बढ़ते आगे एवरेज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द अर्थ आउटर कोर इज वॉट तो जनरली मैंने भी आपको पहले भी करवाया है अब अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेटेड है कि अर्थ के आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो, कम होता है यानी 25 गॉस के बराबर तभी तो कहा जाता है कि वो अपना मूविंग कॉयल कैल्गोनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्यों नहीं करवा पाता क्योंकि यार वो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में बंधा हुआ और अर्थ का अगर आप देखोगे तो यार मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना कम है तो कैसे करवा पाएगा अर्थ क्या मेरी बात समझ में आ रही है

कि सर इन फॉर नैनो पी फॉर पी को ठीक है ना कलर कोड कार्बन कैपेसिटर कैपेसिटर बना कलर कोड बना रखा है उसने, ठीक है ना उसने कहा कैपेसिटर के ऊपर जैसे मान लो एन थर्टी थ्री है तो मानी जीरो मानी जीरो मानी एट पॉइंट टू नैनो फेरेट में ट्वेंटी टू एन है ट्वेंटी टू एन बराबर फोर्टी सेवन एन एफ एंड सो ऑन चलो ये तो इसने वैसे ही मतलब बता दिया ठीक है ठीक है ना कभी कभार मिसलीड कर रहा है हमें तो कैपिटल के लेटर लिखा होगा कभी कभार जो कि किलो को फैरट को शो करेगा जैसे सौ के के है तो आप लिखोगे थाउजेंड 100 सौ को फैरट अब समझ में नहीं आ रहा है यार ये कैसे होगा ठीक है ना तो आइए देखते इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ ये लिखा गया कह रहे अगर मुझे एन ट्वेंटी सेवन दिया होगा तो मैं क्या कहूंगा अगर एन ट्वेंटी सेवन लिखा होगा तो जैसे यहां पर देखो ना एन थर्टी थ्री को जीरो पॉइंटेरेट बोला तो एन ट्वेंटी सेवन को जीरो पॉइंट टू सेवन नैनोफेरेट बोल देंगे आए ना बच्चे भाई ऊपर वाले से ले लिया नीचे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं कह रहे दो कैपेसिटर एक दो सौ इक्कीस है एक दो सौ बीस है पैरेलल में जोड़ दिया तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा इन वैल्यू का तो 221 और 220 सौ फैर, बीस पीको फैरड हो जाएगा मान लो ठीक है ना ठीक है पैरेलल में जोड़ोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चे आपको एड ही तो करना होगा एड ही तो करना होगा लेकिन कभी कभार मिसलीडिंग है ना बेटा उसने बोला कि मिसलीड भी कर रहा है जैसे ऊपर देखो जैसे ऊपर देखो तीन सौ बत्तीस बोला हुआ है तीन सौ बत्तीस मानी तैंतीस इंटू सौ तो उनमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है मानी तैंतीस इंटू सौ पीकोफैरड तो यहाँ पर इसने दो सौ इक्कीस बोला हुआ है तो आप क्या कर लोगे तो दो सौ बीस वाले को तो आप क्या कर दोगे बीस फैरड लिख दोगे और दो सौ इक्कीस वाले को आप क्या कर दोगे बाईस इंटू सौ यानी बाईस फैरड लिख दोगे ठीक है ना बाईस क्यों लिखोगे आप इसको 220 लिख दोगे ना Hmm. इसको 220 लिख दोगे ना आप आंसर अगर मिलाओगे तो 220 और 22 दो सौ बयालीस को फेरड हो जाएगा ना बट मैं कहूंगा बेटा ये पेपर में नहीं आने वाला आपका ये पता नहीं कुछ अलग ही पूछ लिया ठीक है ना सिक्सटी के इज रिटन ऑन कैपेसिटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वही थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अगर सिक्सटी के उसने लिखा होगा तो आप क्या करोगे फिर मतलब सिक्सटी एट और पी को फैरड हो जाएगा क्या आप इसको कह सकते हो

वोल्ट मीटर को ऐसा गुड क्वालिटी का कहेगा अगर वो बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा ये सर पूरा वोल्ट मीटर के बारे में दिया है इसने सारी कहानी ये सारी कहानी किसके बारे में दे रहा है हमें वोल्ट मीटर के बारे में दे रहा है आप कॉन्सेप्ट बताइए बच्चे कि सर यू आर प्रोवाइडेड विद फोर वोल्ट मीटर विच वन विल यू सेलेक्ट किसको आप सेलेक्ट करेंगे दस किलो ओम सौ किलो ओम एक मेगा ओम या दस मेगा ओम किसको सेलेक्ट करोगे आप भैया वोल्टमीटर सेलेक्ट कर रहे हो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टमीटर का सो हाइयर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ द वोल्टमीटर तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना बढ़िया वोल्टमीटर होगा तो so, आप कर लीजिए ना फिर किसको आप चूज करेंगे तो so, आप यहां से आ, 10 मेगा ओम वाले को चूज कर लो 10 की पावर 7 हो जाएगा सो हाइयर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ वोल्टमीटर और ग्रेटर द रेजिस्टेंस हायर विलटर विल बी द्वालिटी वोल्ट मीटर की क्वालिटी का क्या यूनिट होगा वोल्ट मीटर की क्वालिटी का क्या यूनिट होगा उसके लिए तो आप क्या करोगे वही आपका फैक्टर देख लो रेजिस्ट रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्ट यानी ओम पर वोल्ट यानी ओम पर वोल्ट कह रहे सर एक गैलवनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं हंड्रेड माइक्रो एम्पेयर के लिए मैंने कहा ठीक इसको आपने जीरो से फिफ्टी रेंज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया इसकी सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो बताइए सच वोल्ट इज अप्लाई टू द कितना होगा ठीक है सबसे पहले पहले ये देखो उस केस में पचास वोल्ट का इसका रेंज है तो गैलोनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन और अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाना है

फॉर्मूले में आप देखोगे तो आई जी बराबर क्या होता है वी बायर 10 की पार माइनस थ्री इज गोइंग टू बी वन पॉइंट फाइव बाई आर प्लस फाइव या फिर आप सीधा सीधा कह दो आर बराबर माइनस करोगे तो ये आपका हजार माइनस पांच नाइन नाइनटी फाइव ना तो नाइन नाइनटी फाइव को सीरीज में करोगे तभी तो वो कनेक्ट होगा तभी तो वो कन्वर्ट होगा सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट के स्टडी विच आई एम हैविंग इज ये आपके सामने है इसके भी आप पे भी आप पे इलेक्ट्रिक चार्जेस डेंसिटी के पूछ रहा है आप कह रहे सर सरफेस चार्ज डेंसिटीकल कंडक्टर का जिसका रेडियस दे रखा दे रखा है सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा क्या करोगे आप लोग होता है क्यूब आए अपना एरिया तो q बराबर सिग्मा इंटू ए होगा अगर रेडियस इतना है रेडियस अगर इतना है और सिग्मा भी दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई मार लो 0.5 पॉइंट फाइव पाई आर स्क्वायर आर वन है तो 0.5 पॉइंट क्योंकि वन मीटर हो गया ना ठीक है ना तो 4 पाई इंटू आपका वन का स्क्वायर यानी टू पाई हो गया एक हिसाब से यानी टू इंटू हो गया यानी सिक्स के आसपास हो गया

शेल के रेडियस के बराबर है और सब चीज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ना चार्ज पर यूनिट एरिया आया ना दोनों के लिए सेम ही होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर एट द रीजन greater द value इज ग्रेटर charge ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेस where द रीजन is द The इज ग्रेटर surface ऑफ density डज नॉट डिपेंड ऑन curvature ऑफ द सरफेस नन ऑफ the अबव एक्चुअली तो जितना ज्यादा कर्वेचर है इसका मतलब होता है उतना ही कम रेडियस होता है ना? तो इसलिए सरफेसेंसिटी अपना बड़े के लिए ज्यादा ही होगा। और यू कैन से वैल्यू ऑफ सरफेसेंसिटी इज ग्रेटर एट द रीजन वे दर्वेचर इज ग्रेटर राइट लास्ट वन सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा सिग्मा इज लाइक चार्ज अपॉन एरिया चार्ज क्या हो जाता है आई एंटिटी अपॉन एरिया और यू कैन से एम्पेयर मीटर की पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और यू कैन से आपका एम्पेयर एल की पावर माइनस टू इंटू टी एम्पेयर एल की पावर माइनस टू इंटू टी सो बी इज द करेक्ट आंसर और इसी के साथ बच्चों दोनों वीडियोज में मिला के मैंने दिए आपको करीब करीब एक ही घंटे में पंद्रह केस बेस्ड क्वेश्चन इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए पूरा सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा सब कुछ पूरा सपोर्ट मिल रहा है तो यार बच्चों मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहूँगा आपसे कि यार अच्छे से पढ़ाई करो बस अब इसके बाद तो क्या ही है ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी अपनी तरफ से प्रिपरेशन को अच्छे से करो मैं आपके साथ हूँ एग्जाम से पहले भी पहले था भी और आगे बाद में भी रहेंगे अब इसके बाद आप जब देखोगे तो अब देखो अब इसके बाद मैं यही कहूंगा आप इंग्लिश पढ़ाई करो अच्छे से तो एक और दो तारीख को मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा अब मैं सीधा आपको डिस्टर्ब करूंगा छे सात आठ नौ ये चार दिन मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो बच्चा पार्टी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों बाय ऑल एंड यस जय